फोन रेस्टोरेशन। रंगापुर नाम के गांव में नागू नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो सड़क पर से स्क्रैप उठाकर उसे स्क्रैप दुकान में बेचकर पत्नी और बच्चे की देखभाल करता था। नागू बहुत अच्छा इंसान था और बुद्धिमान भी, लेकिन बचपन में उसके माता पिता उसे शिक्षा नहीं दिए। इसके कारण से वो स्क्रैप उठाने वाला व्यक्ति बन गया। वो इस बात से बहुत दुखी था, लेकिन उसके बेटे की हालत वैसी नहीं होनी चाहिए सोचकर, उसे अच्छे से पढ़ाई मिलनी चाहिए सोचकर अपने बेटे बिट्टू को अच्छी स्कूल में भर्ती करवाया। नागू लाल नाम के व्यक्ति के पास स्क्रैप बेचा करता था। एक दिन नागू लाल से, लाल जी, घर पर रोज खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके दिए पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्क्रैप के बदले आप बहुत कम पैसे दे रहे हैं, जरा पैसे बढ़ाइए ना। यूं कहा लाल, क्या पैसे ज्यादा करूं? पहले ही तुम्हें ये पैसा देना ही बड़ी बात है, बीवी बच्चों का सोच कर दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं पैसे ना बढ़ाऊं तो तुम क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं ना। इसके अलावा तुमको और कोई काम आता ही नहीं, इसलिए मुंह बंद करके जाओ। यूं कहा नागू को बहुत अपमानित महसूस हुआ। घर गया। घर पर नागू को उदास बैठा देख उसकी पत्नी रानी नागू से, क्या हुआ जी, ऐसे उदास क्यों हो? यूं पूछी। नागू जो हुआ वो बात रानी को बताकर, देखो रानी, मुझे पढ़ाई नहीं आती, इस बात से सब मेरा कितना अपमान कर रहे हैं। वही अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो क्या ऐसा होता? हमारे बेटे को तो हमें अच्छे से पढ़ाना चाहिए। यूं कहा रानी, जरूर पढ़ाएंगे जी, उसे अच्छे से पढ़ाकर डॉक्टर भी बनाएंगे। यूं बोली। एक दिन नागू चलते हुए जा रहा था कि तभी उसके आगे बिट्टू के क्लास टीचर करना आए। करना नागू से, क्या नागू जी, आपके बेटे को आपने फोन खरीद कर नहीं दिया? यूं कहा नागू को कुछ समझ नहीं आया तो वो, फोन? मैं कुछ समझा नहीं। तब करना, आपका बेटा आपको फोन के बारे में नहीं बताया? आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि आपके बेटे ने फोन के बारे में आपको नहीं बताया। नागू जी, हमारे स्कूल में हम नया सिलेबस स्टार्ट किया है, बुक्स में कुछ QR कोड्स डाल रहे हैं, उन्हें स्मार्टफोन में स्कैन करने पर कोई भी चित्र उस फोन में 3D मॉडल जैसा आएगा, आपके बेटे की पढ़ाई का काम आएगा। यूं कहा नागू, 3D मॉडल ये सब क्या है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। करना, तुम्हें नहीं समझ आएगा, लेकिन आजकल के बच्चे वैसे ही पढ़ाई करते हैं। देखो नागू, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, हर बार क्लास में फर्स्ट आता है सोचकर उसे इंटर तक स्कॉलरशिप देंगे, ये बात हमारा स्कूल की प्रिंसिपल मुझसे खुद कहा है। वैसे बच्चे को अगर आप फोन भी खरीद कर नहीं दे सकते हैं तो सही नहीं होगा, वो बड़ा होकर जरूर डॉक्टर बनेगा। यूं कहा, सर, मेरा बेटा शायद मेरी गरीबी देखकर फोन नहीं पूछा होगा, अगर स्मार्टफोन मेरे बेटे की पढ़ाई में उपयोग होगा ऐसा है तो मैं कुछ भी करके उसे फोन खरीद कर दूंगा सर। यूं कहा। फिर अगले दिन नागू अपने जान पहचान वाले के फोन शॉप पर जाकर फोन शॉप वाले से, राम भाई, सबसे कम वाला स्मार्टफोन कितना का होगा भाई? यूं पूछा राम। कम से कम 6,000 का होगा नागू, तुम हो इसलिए 1,000 कम करके 5,000 में दे सकता हूँ। नागू, राम भाई, जरा देखकर बताइए ना, मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए। रामू, देखो नागू, तुम कितने अच्छे इंसान हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन कोई भी फोन 6,000 से कम नहीं है। यूं कहा नागू निराश होकर वहाँ से चले गया। नागू अपने मन में, हे भगवान, मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये इच्छा भी अब पूरा नहीं होगा क्या? यूं सोचा, तभी नागू को एक कचरा कुंडी के पास एक पुराना फोन दिखाई दिया। नागू वो फोन लेकर देखा, उसे लेकर मोबाइल शॉप रामू के पास गया। रामू से नागू, रामू भाई, ये फोन देखिए, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? यूं कहा रामू वो फोन देखकर, बिल्कुल कर सकता हूँ नागू, ये फोन को कुछ नहीं हुआ है, बस डिस्प्ले ही गया है, नया डिस्प्ले डालने के लिए 1,800 होगा। नागू, भाई, मैं अपने सारे जमाए पैसे भी मिला दूं तो 1,000 रुपए भी नहीं होंगे, जरा देखिए भाई, किसी भी तरह इसे रिपेयर कर दीजिए। यूं कहा तब रामू, ठीक है, तुम्हारे लिए मेरा फायदा भी छोड़कर 1,000 रुपए में करके देता हूँ, बच्चे का पढ़ाई के लिए है ना। कहकर उस फोन को रिपेयर करके नागू को दे दिया। नागू फिर रामू का धन्यवाद किया। नागू खुशी से जाकर उस फोन को अपने बेटे को दिया। बिट्टू सोच में पड़ गया कि बिना फोन की बात बताए उसके पिताजी को ये बात कैसे पता चली। वो फोन देखकर दंग रह गया था। मेरे पिताजी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। यूं सोचा
तब से बिट्टू उस फोन में पढ़ाई करते हुए यूट्यूब पर क्लास सुनते सुनते बड़ा हुआ। मेडिकल सीट के लिए लिखे एग्जाम में अच्छा रैंक प्राप्त किया। बिट्टू को अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट मिली। कुछ समय में वो बड़ा डॉक्टर भी बना। बिट्टू को डॉक्टर बनता देख नागू बहुत खुश हुआ। बिट्टू रामू की मदद किया। बिट्टू फिर उसी गांव में एक अच्छा सा हॉस्पिटल भी खोल दिया।